अश्विनी, अलोंग विथ इंश्योरेंस, म्हणजे इन्शुरन्स जितना मैंडेटरी है आई थिंक उतना रिटायरमेंट भी अनुया मैंडेटरी है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिटायरमेंट? मतलब मैंने जो देखा है कि जो भी इंडियन फैमिली है उसमें हमेशा फीमेल अगर वर्किंग भी हो नहीं भी हो, हाउसवाइफ भी हो, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती है, वो सोचती है अपने फैमिली के बारे में. तो वो रिटायरमेंट क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए कि मेल एंड फीमेल का जो एज स्पैन है वो मेल से ज़्यादा फीमेल का है, मतलब औरतें ज़्यादा जीती हैं और अपना जो हाईली जो क्या बोलते हैं मेडिकल का जो इक्विप्ड है हम लोग, उसके वजह से जो टाइम्स या एज स्पैन जो है महिलाओं का या किसी का भी पुरुषों का भी वो बढ़ चुका है, मतलब अराउंड 28,000 डेज और 84 एज तक हम लोग जीते हैं. तो एट द एज ऑफ 60 इफ वी रिटायर, 60 से लेके 80 तक विदाउट मनी कैसे सर्वाइव करेंगे विद दिस इन्फ्लेशन रेट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आता जनरली कसं झालंय की रिटायरमेंट म्हटलं की अजून मी रिटायरमेंटचा विचार नाही केलाय असंच पटकन बोललं जातं. पण आता HDFC रिटायरमेंट सेव्हिंग प्लॅन जो आहे त्याच्यामध्ये आपण अर्ली रिटायरमेंट पण कशी घेऊ शकतो? का 60 वर्षापर्यंत आपण काम करायचं? का नाही मी 50 वर्षाला रिटायरमेंट, म्हणजे असं होऊ शकतं? होऊ शकतं. ओके, जर HDFC रिटायरमेंट सेव्हिंग प्लॅन हा जर घेतला तर त्याला एक तर 5 वर्षाचा लॉक इन पिरियड आहे. ओके, कारण आपण तो रिटायरमेंट नंतर यूज करणार आहोत. त्यामुळे आता गव्हर्नमेंटला जसं पेन्शन आहे तसं प्रायव्हेट कंपनीमध्ये पेन्शन तुम्हाला मिळत नाही. तर ह्या प्लॅनमध्ये जर आपण सेव्हिंग सुरू केलं तर ते 5 वर्षाचं त्याला लॉक इन असल्यामुळे जेव्हा तुम्ही जर फॉर एक्झाम्पल हा आपण 20 वर्षापासूनच जे काही आपल्याला पॉकेटमध्ये मिळतं 100 रुपये मिळत असेल तर 50 रुपये फॉर एक्झाम्पल जर त्या फंडमध्ये जर आपण सेव्ह केले तर 50व्या वर्षी तुम्हाला एक अमाऊंट कॉर्पस तयार होतो की ज्याच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही 50व्या वर्षी सुद्धा रिटायर्ड झालात तरी तुमचं 80 वर्षापर्यंत जर आपण एक्सपेक्टेड लाईफ पकडलं तर पुढचे 30 वर्ष आपल्याला घर बसल्या मंथली इन्कम हे मिळू शकतं. म्हणजे तुला असं म्हणायचंय का की मी जॉब न करता माझी ती सॅलरी घरी बसून येऊ शकते विदाउट एनी गोइंग आउट कशासाठी? आणि मी मग मी तो पर्टिक्युलर जो टाइम आहे तो माझ्या हॉबीजना किंवा मला असं वाटत असेल माझ्या फॅमिलीला द्यावा किंवा माझ्या मुलांना द्यावा तो मी देऊ शकते. नक्कीच. आणि आतापासून जर तुम्ही सेव्ह करायला गेलात तर जे प्रत्येकाचं ड्रीम असतं वर्ल्ड टूरचं, काय अगदी मी त्याच्यामधून जाऊ शकतो की असं नाही की आता म्हणजे 50-55 वर्षी आपण जर विचार केला की आता माझी 5 वर्ष राहिली आहेत आता माझं रिटायरमेंटचं काहीच नाही आहे, मुलं सांभाळतील नाही सांभाळतील अपार्ट, पण जर आतापासून आपण त्या HDFC रिटायरमेंट सेव्हिंग प्लॅनला जर आपण सेव्हिंग सुरू केलं तर आपण नक्कीच 50व्या वर्षी इंडिपेंडंट राहू शकतो. ऍक्च्युली मला असं वाटतं की आपलं जे 40 आणि 60 एज असतं ते खूप क्रुशियल आणि क्रिटिकल असतं. म्हणजे खरं तर जेव्हा तुम्ही 20व्या 25व्या वर्षी जॉबला लागता तेव्हाच तुम्ही ते रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे, पण ते काही लोकांच्या नाही लक्षात येत. आणि मग 40 to 60 असं असतं ना की तो एक आयुष्यातला असा पढाव असतो की त्या पढावामध्ये आपल्याला असं वाटत असतं की बिईंग अ वुमेन स्पेशली की अरे यार बास, म्हणजे आता मी खूप केलं, आता मला लेट मी टेक केअर ऑफ माय फॅमिली और माय चाइल्ड, कारण मुलं थोडीशी वयात आलेली असतात आणि त्यांचं एज्युकेशन चालू झालेलं असतं, त्यांचं एक टर्निंग पॉईंट असतो. मग त्या टर्निंग पॉईंटमध्ये जेव्हा मला जास्त पैसे लागतात त्या टर्निंग पॉईंटमध्ये मी घरीही नाही बसू शकत आणि मला पैसेही हवे असतात. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वुमेन, राईट? सो माय सिस्टर्स, आतून मला असं वाटतं की ह्या रिटायरमेंट प्लॅनिंगबद्दल जो HDFC रिटायरमेंट प्लॅन आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही खरंच विचार करा. कारण स्त्रीची बायोलॉजिकल स्त्री जो बनी हुई है उसमें पहले से ही वो मातृत्व या बहन या ये सब चीजें है, तो वो हमेशा वो अपना प्रोफेशनल और जो होम का जो एक रोल जो प्ले करती है उसमें हमेशा वो दुविधा में रहती है. वो दुविधा जो है वो निकालने के लिए एक सर्टेन टाइम पे उसे अपने फैमिली को अपना टाइम देना ही पड़ता है. लेकिन फिर जो इन्फ्लेशन रेट है और जो महंगाई है उसको अगर बीट करना है
और वो सारा कॉप्स घर बैठे हुए या मेरे सारे हॉबीज जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको वो सब करते हुए अगर वो सब करना है तो एक कॉप्स एक फिक्स अमाउंट जो घर में आनी चाहिए वो HDFC रिटायरमेंट प्लान आपको दे सकता है. सो थिंक ओवर इट एंड प्लान एज अर्ली एज पॉसिबल. मैं ये कंक्लूड करना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ. फाइनेंशियल प्लानर ये वो चीज़ है या ये वो इंसान है जो एक दोस्त की तरह अपने हर एक जिंदगी के मोड़ पे जहाँ पे हमको एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक डिसीजन लेना है वहाँ पे वो रहता है अपने साथ एक सच्चे दोस्त की तरह. बहुत बार हमको पता नहीं होता हमारे इनपुट्स क्या है हमारे आउटगोइंग्स क्या है सेविंग्स क्या है एक्सपेंडिचर क्या है. हर एक का एक फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है वो अलग अलग रहता है. तो वो जो गोल्स हम डिसाइड करते हैं जो ड्रीम्स हम देखते हैं उसको अचीव करने के लिए ये जो इंसान है वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बीइंग एन IT सेक्टर में जो मैं काम करती हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर बार मैं जाके मार्केट मॉनिटर करूँ. इनके पास अपनी खुद स्ट्रॉन्ग टीम रहती है जो कंटिन्यूस मॉनिटर करती है और कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहती है जिसका बेनिफिट जब वो हमारा कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाती है तो वहाँ पे होता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि क्रिसेंट वेल्थ प्लानर्स इज अ बेस्ट टीम एंड यू कैन से इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम विच विल बी अवेलेबल एनी टाइम एनी वे. नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पे मुझे ऐसे लगता है कि हर एक नारी ने आगे आके अपने गोल्स सेट करने चाहिए अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए ताकि हर जगह पे हम अपने साथ अपने परिवार के साथ हर किसी को अपना एक हैप्पीनेस स्प्रेड करें और हर एक दिन हर एक मोमेंट एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करें. मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें और माँ दुर्गा के ब्लेसिंग के साथ इस नई चीज़ की शुरुआत करें. क्रिसेंट वेल्थ प्लानर्स इज अ बेस्ट टीम. सो इफ यू वांट टू कांटेक्ट प्लीज कांटेक्ट 9307999737. आई रिपीट 9307999737. द सेकेंड नंबर इज 9764125533. अगेन 9764125533. हैप्पी नवरात्र. थैंक यू.